नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से। मैं हूँ आपके साथ अक्षय। प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड की जांच कर रही यूपी एसटीएफ और यूपी पुलिस के सामने एक कुख्यात माफिया का नाम आया है। ये नाम है कुख्यात माफिया उस्मान झर्रक। जी हाँ, आपको बता दें कि अतीक अहमद के जेल में बंद होने के बाद उसके डर के कारोबार को जेल के बाहर फैला रहा था उस्मान झर्रक। उस्मान झर्रा ने ही उमेश पाल हत्याकांड की साजिश में अहम रोल निभाया था और अब यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ को उस्मान झर्रा की तलाश है और इसी तलाश में कई जगह छापेमारी की जा रही है। दरअसल उस्मान झर्रा जो था वो अतीक अहमद की जेल में बंद होने के बाद उसके पीछे पीछे गुजरात पहुंच गया और यहीं से वो अपनी पूरी गैंग को चला रहा था। अतीक अहमद के आदेश मिलते ही वो अपनी गैंग को सक्रिय कर देता। आखिर जुर्म की दुनिया में इतनी दहशत फैलाने वाला उस्मान झर्रा कौन है और किस तरह से वो अतीक अहमद के जुर्म के कारोबार को उसके जेल में जाने के बाद बाहर फैला रहा था, कहां से रखता है ये ताल्लुक, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट। आखिर कौन है खूंखार माफिया उस्मान झर्रा? क्या कनेक्शन है उसका गैंगस्टर अतीक अहमद से? क्या उस्मान झर्रा ने ही जेल में बंद अतीक अहमद की दहशत को कायम रखा था? जी हाँ, इन सवालों के जवाब खोजने में लगी हुई पुलिस को एक कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल पूर्वांचल में खौफ बरसाने वाले गैंगस्टर अतीक अहमद की मुश्किलें अब हर दिन बढ़ती हुई नजर आ रही है। खबर सामने आ रही है कि यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ माफिया अतीक अहमद के गैंग में शामिल उस्मान झर्रा की तलाश में लगी हुई है। आपको बता दें कि प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड के मामले की जैसे जैसे परतें खुल रही हैं, वैसे वैसे नए नाम इस केस से जुड़ते जा रहे हैं। माफिया अतीक अहमद के साथ एक खूंखार गैंगस्टर का नाम भी जोड़ा गया है जिसका नाम उस्मान झर्रा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उस्मान झर्रा ने कौसाम्बी से ही जुर्म की काली दुनिया में कदम रखा था। आगे चलकर वो अतीक अहमद के साथ काम करने लगा। अतीक अहमद के साबरमती जेल में शिफ्ट होने के बाद उस्मान झर्रा भी उसके पीछे पीछे हो लिया। इसके बाद उस्मान ने अपने अपराध की दुनिया को गुजरात में भी फैलाना शुरू कर दिया। उस्मान के खिलाफ अब तक 17 केस रजिस्टर्ड हो चुके हैं। उमेश पाल हत्याकांड के बाद जांच एजेंसियां अतीक अहमद के करीबियों की लिस्ट तैयार कर रही हैं और इसी लिस्ट में उस्मान झर्रा का नाम भी शामिल है। उस्मान की तलाश में एसटीएफ और यूपी पुलिस जगह जगह तलाशी ले रही है। सूत्रों की माने तो उस्मान झर्रा का सीधा संपर्क अतीक अहमद से था। साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद के साथ उसकी लगातार बातें होती रहती थी। इसके अलावा माफिया अतीक अहमद का काला कारोबार भी वो गुजरात में बढ़ाने लगा। अब उस्मान झर्रा जांच एजेंसियों के निशाने पर है। आपको बता दें कि बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के मामले में मुख्य गवाह उमेश पाल की 24 फरवरी को दिन दहाड़े गोली मारकर प्रयागराज में हत्या कर दी गई। इसके बाद जांच एजेंसियां और पुलिस दोनों ही तेजी से अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। इसी क्रम में माफिया अतीक अहमद के करीबी अब्दुल कवि के भाई को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। वहीं फरार चल रहा अब्दुल कवि पर भी इनाम घोषित कर दिया गया है।